अस्सलाम वालेकुम क्लास फिफ्थ, आई होप यू ऑल आर फाइन। हम लोगों की जो कॉपी वर्किंग थी वो वाइंड अप हो चुकी है। अब आ जाते हैं हम लोग चैप्टर नंबर हमारा जो है 5 मेजरमेंट 2 इसकी बुक वर्किंग पे। बुक वर्किंग पेज नंबर है 107। 107 का क्वेश्चन नंबर 1 जो था कन्वर्ट दिस मेजरमेंट, ये बहुत सारे थे तो मैंने इसमें से कुछ सेलेक्ट करके करवा दिए थे, और जो इसकी वर्ड प्रॉब्लम है ये भी आप लोग कॉपी में कर चुके हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अरेंज दिस मेजरमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर तो आप लोगों को पता है, इंक्रीजिंग का इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, यानी छोटे से बड़े की तरफ आप लोगों को अरेंज करना है, छोटे से बड़े की तरफ अरेंज करना है। अच्छा, 1 kg 510 ग्राम, 1.501 kg और 1050 ग्राम, सही। मैंने आप लोगों को 1 kg 510 ग्राम, अगर आप लोग टोटल इसको केजी में लेके जाओगे तो मैंने आप लोगों को ये वर्किंग भी कराई है कि सिर्फ इस केजी को आप लोग क्या करोगे, सॉरी इस ग्राम को आप लोग क्या करोगे, केजी में चेंज करोगे। अगर 1.501 है तो यानी ये 1 kg 500। अब देखें, ये है 1 kg 510 ग्राम, ये है 1 kg 501 ग्राम, ये है 1 kg 50 ग्राम, सही है 1 kg 50 ग्राम। तो मुझे क्या करना है, छोटे से बड़े की तरफ जाना है। तो सबसे छोटा क्या हुआ, 1 kg 50 ग्राम, 1 kg 50 ग्राम, उससे बड़ा हुआ 1 kg 501 ग्राम, फिर सबसे बड़ा हुआ 1 kg 510 ग्राम। अब आ जाते हैं नंबर 2 पे। 0.743, सही है 743 किलोमीटर, सही है ये 743 किलोमीटर, 430 मीटर और 7.043 मीटर, सही है। टोटल क्या है, ये मीटर है, ये किलोमीटर में दिया हुआ है और ये किलोमीटर और मीटर में दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अच्छा ये 7.043 मीटर है, सही है 043 मीटर है, तो ऑब्वियसली जो 7 की वैल्यू ये किस में होगी, किलोमीटर में होगी, सही है 7 की वैल्यू किस में होगी, किलोमीटर में होगी, और ये है 0.743 किलोमीटर। अच्छा, अब आ जाते हैं नंबर 2 पे। ये आप लोगों ने देखा होगा, सही है ये मीटर में है, ये किलोमीटर मीटर और ये जस्ट किलोमीटर, तो ऑब्वियसली छोटे से बड़े की तरफ जाना है, तो 7.043 मीटर सबसे छोटा, फिर क्या आ जाएगा 0.743 किलोमीटर, क्योंकि इसमें किलोमीटर की वैल्यू 0 है और इसमें ऑब्वियसली किलोमीटर ऑब्वियसली 7 दिया हुआ है, तो ये सबसे बड़ी हो गई। अब आ जाते हैं नंबर 3 पे। 5.055 लीटर, 5.05 ml और 5500 ml, सही है। सबसे छोटे से अरेंज करूँगी तो 5.055, सही है, और 5.05 ये डायरेक्ट किस में दिया हुआ है, ml में दिया हुआ है, तो ये 0.05 ml ये सबसे छोटा हुआ। 5.055 दिया हुआ, यहाँ पे जस्ट 0.5 था, सही, और यहाँ 0.55 है, तो ये बड़ा हुआ, क्योंकि अगर देखा जाए ये लीटर में दिया हुआ, ये ml में, लेकिन इसका जो पहला डिजिट है वो तो लीटर ही है ना, और सबसे बड़ा क्या होगा, 5500 ml। ये था इंक्रीजिंग ऑर्डर पेज नंबर 107। अब आ जाते हैं पेज नंबर 111। इसका भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 जो है कन्वर्ट दिस मेजरमेंट ये कॉपी में करवाया, बहुत सारे थे इसमें से मैंने सिलेक्टेड करवाया। अब आ जाते हैं नंबर 2 पे। अरेंज द मेजरमेंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीज मतलब कम कर, घटने को या कम करने को कहते हैं, और जब डिक्रीज में बोला गया तो यानी बड़े से हम लोग छोटे की तरफ जाएंगे, बड़े से किसकी तरफ जाएंगे, छोटे की तरफ। 1 kg 24 ग्राम, 1.214 kg और 1200 ग्राम, सही है। सबसे पहले मेरे पास क्या बड़ा है, ये 1 kg 24 ग्राम है और ये 1200 ग्राम है, लेकिन 1214 ग्राम, अगर इसे ग्राम में चेंज करूँगी तो 1214 ग्राम बनेगा, तो ये सबसे बड़ा हुआ। उसके बाद क्या हुआ मेरे पास, अगर इसको चेंज करूँगी तो 1 kg 200 ग्राम बनेगा, 1 kg 200 ग्राम और ये 1 kg 24 ग्राम है, तो ऑब्वियसली 200 ग्राम वाला बड़ा हुआ, और उसके बाद 24 ग्राम। फिर आ जाते हैं 6250 मीटर, 7 किलोमीटर, 6 किलोमीटर और 25 मीटर। सबसे बड़े से अरेंज करेंगे तो ऑब्वियसली 7 किलोमीटर सबसे ज़्यादा है, फिर 6 किलोमीटर 250 और 6 किलोमीटर 25 है, तो ऑब्वियसली 6 किलोमीटर 250 मीटर और 6 किलोमीटर 25 मीटर सबसे लास्ट में। फिर आ जाते हैं 3.203 लीटर, 3 लीटर 230 मिलीलीटर और 3204 मिलीलीटर, तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा क्या होगा मेरे पास, अगर इसको देखा जाए तो ये 204 है, ये 203 और ये 230 है, तो 230 वाली वैल्यू मेरे पास क्या हुई, बड़ी, सही है 30 वाली क्या हो गई, बड़ी। फिर आ जाते हैं 3204 और फिर सबसे लास्ट में आ जाएगा 3203, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये लीटर की और ये किसकी है, मिलीलीटर की। ये थी हमारे पास पेज नंबर एंड 111। और अगर
आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, मैंने आप लोगों को यूनिट को कन्वर्ट करना बता दिया, यानी अगर ये लीटर है, अगर इसको मिली लीटर में लेके जाना है तो कैसे करेंगे, और मिली लीटर को लीटर में लेकर आना है तो कैसे करेंगे, फिर आप उसके हिसाब से भी अरेंज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं पेज नंबर 122। 122 की जस्ट मेरे पास ये वाली वर्किंग है, क्वेश्चन नंबर 1 का बी, जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में, अभी जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को समझाया था। अब आ जाते हैं ए पे। ए है मेरे पास फिल इन द बॉक्सेस अहेड और बिहाइंड। अहेड का मतलब आगे और बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। द लोकल टाइम इन प्राग इज 7 आवर्स। सही, मैंने आप लोगों को दोनों के टाइम का डिफरेंस बताया था। प्राग का जो टाइम है वो 7 घंटे डैश द लोकल टाइम ऑफ द लास्ट। द लास्ट के मुकाबले में प्राग का जो टाइम है वो 7 घंटे आगे है या 7 घंटे पीछे है। प्राग का जो टाइम है वो 7 घंटे आगे है या पीछे है। ऑब्वियसली प्राग का टाइम 7 घंटे द लास्ट के मुकाबले में आगे, क्योंकि इसका 7:35 और इसका 14:35 है। तो प्राग का टाइम दलास के मुकाबले में 7 घंटे आगे है, तो मैं क्या लिखूंगी, अहेड ऑफ। द लोकल टाइम इन दलास इज 10 आवर डैश द लोकल टाइम इन दुबई। अच्छा, दुबई दलास का टाइम है 7:35 और दुबई का है 17:35। अब बोला गया है दलास का टाइम 10 घंटे दुबई के मुकाबले में, 10 घंटे दुबई के मुकाबले में क्या है, पीछे है, तो मैं क्या लिखूंगी, बिहाइंड ऑफ। जस्ट आप लोगों ने दो ये बॉक्सेस फिल करने हैं। ये चैप्टर हमारा यहाँ पे वाइंड अप हो गया। आई होप ये चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।